अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक बार फिर आपकी खिदमत में फवाद अली हाजिर है। कल हमने आपसे पोलियो शीट पे डिस्कस किया था, बहुत लोगों ने वीडियो देखी, बहुत लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो देखी, बहुत लोगों ने फेसबुक पेज पे वीडियो देखी, कई लोगों ने फाइल डाउनलोड की, बहुत अच्छा लगा। लेकिन थोड़ा दिल दुखा क्योंकि कंजूसी की थी आप लोगों ने लाइक करने में, शेयर करने में और चैनल सब्सक्राइब करने में। देखिए इतना कुछ करते हैं, आपके लिए करते हैं तो आपका भी हक बनता है, कुछ हमारे लिए करें तो काइंडली रिक्वेस्ट करते हैं कंजूसी नहीं करनी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें ताकि सब लोग फ़ायदा उठाएं, मेरा जो मेहनत करने का सिला है मुझे मिल जाए, कि सब दोस्तों को वो चीज़ पहुंच जाए। और दूसरे नंबर पे जो सबसे अच्छी बात ये कि सब उसे इस्तेमाल करने वाले बन जाएं, और दूसरी बात कि चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं, आज जो चीज़ मैं लेके आ रहा हूँ वो है API फ्रेंड्स के लिए। उम्मीद है बहुत पसंद आएगी। ग्राफ चार्ट का नाम तो सबने सुना होगा, तो जल्दी आपको उस पर लेके जाता हूँ ग्राफ चार्ट पे। तो सबसे पहले आपको दिखाऊँ ग्राफ चार्ट में करना क्या है, हमने ग्राफ चार्ट करता क्या है। तो सबसे पहले तो ये हमारा पेज आ गया जिस पे आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, सेल नंबर, व्हाट्सएप, ईमेल, फेसबुक पेज, यूट्यूब, वेबसाइट पे भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो दो तक तो मैं फ्री नहीं होता, तो दो के बाद आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैसेज दो तक भी छोड़ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दो के बाद हो सकते हैं पहले ही दे दूँ। किसी किस्म के भी इशू हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। ये चीज़ मैंने ग्राफ चार्ट बनाया है, दरअसल मैंने बनाया है API फ्रेंड्स के लिए। API फ्रेंड्स, आपने तो ग्राफ चार्ट का नाम सुना होगा जिसमें हम अपनी मंथली प्रोग्रेस डालते हैं, तो वो हमें हमारी परसेंटेज बताते हैं, हमारा ड्रॉप आउट बताते हैं, हमारी जो ग्राफ चार्ट पे लाइनिंग है वो बताते हैं कि हमने क्या किया है, हमारा कितनी कवरेज किया थी वगैरह वगैरह। तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हम जस्ट अपनी मंथली कवरेज डालेंगे कि मंथली हमने BCG कितने किया, पेटा कितने किया, पेटा थर्ड, पेटा मीजल फर्स्ट, पेटा मीजल सेकेंड। तो ये हमें ड्रॉप आउट जैसे ये बताया गया जो नज़र आ रहे हैं हम लोग, वो ड्रॉप आउट को निकालेगा ग्राफ के लिए, चार्ट के लिए जो चीज़ जितनी लाइन खींचनी है वो भी हमें बताएगा। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम कम है तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हमने यहाँ पे क्या करना है, अपना मंथली जो ये देखें BCG टारगेट है, BCG टारगेट वो डालना है। तो BCG टारगेट हमारा था 50, इसी तरह हम पेंटा टारगेट डालेंगे, पेंटा टारगेट हमारा था 36, फॉर एग्जाम्पल 55 कर लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ हम टारगेट डालेंगे तो ये देखें पेंटा की भी खुद बहुत टोटल हो गया, और सॉरी BCG के भी खुद बहुत हो गया और पेंटा के भी टारगेट खुद बहुत टोटल हो गया। अब आएंगे नीचे प्रोग्रेस पे, तो हमने ये जो जनवरी के नीचे ब्लैंक खाने बने हुए हैं, फरवरी के, मार्च के, इनमें अपना डेटा डालेंगे। ये जो कम टोटल के 80 टोटल लिखे हुए, ये कम टोटल है, ये खुद बहुत करेगा। इसमें जहाँ भी जो जिस तरह मैंने कल आपको बताया था कि जहाँ भी जीरो लिखा होगा उसे हम नहीं छेड़ेंगे, वहाँ फार्मूला अप्लाइड है। इसमें जहाँ ये DIG लिखा हुआ है इसे भी, ये इस पर भी फार्मूला अप्लाइड है तो इसे भी नहीं छोड़ेंगे। ये BCG का ये नीचे 00 बना हुआ है इस पर भी फार्मूला अप्लाइड है। तो हमने जस्ट कुछ नहीं करना, हमने करना है यहाँ पे डेटा डालना है। तो स्टार्ट करते हैं, जनवरी में मैंने BCG किया, देखें BCG जनवरी में मैंने किया 40, ठीक है जी। नेक्स्ट पेज पे आता हूँ तो पेंटा फर्स्ट मैंने किया 45, पेंटा थर्ड मैंने 30 किया, ठीक है। मीजल फर्स्ट मैंने 32 किया, मीजल सेकंड मैंने 25 किया। ये देखिए जी, सबसे पहले ये जो चीज़ कम टोटल हुआ ये खुद बहुत हो गया, ये आसान हो गया हमारे लिए, कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं यहाँ पे। दूसरे नंबर पे ये जो नीचे ड्रॉप आउट देखें, ये ड्रॉप आउट खुद बहुत आ गया है, ड्रॉप आउट हमने छेड़ना कुछ नहीं, जस्ट इसको उठा के अपने ग्राफ चार्ट पे लिखना है, कितना आसान कर दिया आपके लिए मैंने। दूसरे नंबर पे ये जो नीचे आपको BCG पेंटा कलर नजर आ रहे हैं, ये है हमारा ग्राफ की लाइन, हम कहाँ तक खींचेंगे देखें, ये 0.80% हमारी कवरेज थी। पड़ताल करके देखते हैं, हमारा टारगेट था 50, हमने 40 किया, देखें 80% हमने कवरेज की। इसी तरह पेंटा के 82 किया, पेंटा 3 का। तो इस तरह ये चीज़ खुद बहुत टोटल होती जाएगी। और ये जो कम टोटल के नीचे जनवरी, कम टोटल के नीचे जनवरी का ड्रॉप आउट होगा, फरवरी के कम टोटल के नीचे फरवरी के, इस तरह करते करते दिसंबर तक आगे तक जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ तक तो आपको वीडियो पसंद आएगी उम्मीद है, आगे आपको दिखाता हूँ इसमें और मैंने क्या ऐड किया है। तो इसमें मजीद ऐड किया है मैंने जी ग्राफ चार्ट, ये देखें ग्राफ चार्ट पे जब हम क्लिक करेंगे, ये देखें जी, जरा नीचे लेके आता हूँ आपको समझाने के लिए, ये देखें, ओ सॉरी बहुत नीचे ये आ गया,
ये है बीसीजी, बीसीजी का कलर ये है हमारे पास, पेंटा का कलर ये है, पेंटा थ्री का ये है, मीजल फास्ट का ये, मीजल सेकंड का ये देखिए पेंटा का, ये यहाँ तक लाइन खींचेंगे ग्राफ में, हम यहाँ तक लाइन खींचेंगे पेंटा की यहाँ तक, मीजल की यहाँ तक, पेंटा थ्री की यहाँ तक, मीजल, ये कलर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस तरह हम जब ग्राफ में लाइन खींचेंगे तो इस हिसाब से लाइन को इस दर्जे तक लेके जाएंगे। ये जो नीचे हैं हमारे मंथ हैं, मंथ के लिहाज से, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वगैरह वगैरह, दिसंबर तक, ठीक है जी। फिर फ्रंट पेज पे जाते हैं, देखें फ्रंट पेज पे आए तो फरवरी का डाटा जब हम डालेंगे, देखिए जी फरवरी में हमने फिर 45 किया बीसीजी का, और 50 किया हमने क्या नाम है पेंटा, इसी तरह 30, 45 पेंटा, थर्ड मीजल हमने 45 किया, और इसी तरह मीजल सेकंड हमने 34 किया। ये देखिए जी कम टोटल बहुत बहुत आ गया है, ये देखें कम टोटल, हमने जस्ट इसको उठा के अपने ग्राफ चार्ट पे लिखना है। ये देखिए जी ये ड्रॉप आउट भी बहुत बहुत आ गया है। उसके बाद ये जो ये देखें, इस पे आपको जरा समझाता चलूँ, ये हम ग्राफ उस हिसाब से खींचते हैं। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 1.706, तो इसका मिसाल, इसका मतलब ये है कि हम एक खाना पूरा लेंगे और दूसरे का सातवां हिस्सा लेंगे। देखें अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 पॉइंट है तो हम पूरे दो खाना तक ग्राफ खींचेंगे, यहाँ पर 1.7 है तो हम पे एक ग्राफ पूरा ऊपर, एक चैम्बर पूरा सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद दूसरे चैम्बर के सातवें हिस्से तक हम लाइन खींचेंगे। ये है फरवरी को। चलो फिर आपको मैं दिखाता चलता हूँ, टाइम कम है जो भी जल्दी जल्दी वीडियो बना रहा हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो ग्राफ चार्ट में चलते हैं, ये देखें जी जनवरी की यहाँ था, फरवरी का देखें, ये आगे छोड़ दें, आगे खुद बहुत अपडेट होता जाएगा, आप जस्ट फरवरी का क्लिक करें। ये 2 पे ये देखें बीसीजी, ये आ गया हमारे पास, ये देखें पेंटा, ये आ गया पेंटा 1 पॉइंट, अब इसी 1.7 था। ये देखें एक चैम्बर पूरा सिलेक्ट है और दूसरे का सातवां हिस्सा है, ये 3 हिस्से छोड़ दिए, 10 हिस्से करके सातवां हिस्सा कर दें। इसी तरह फ्रेंड्स हम जैसे जैसे डेटा डालते जाएंगे, ये डेटा खुद बहुत टोटल होता जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। साथ साथ बताते चलूँ, ये फाइल भी आप कंप्यूटर पे भी यूज़ कर सकते हैं, ये फाइल आप उस पर क्या नाम है मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ साथ इसका डाउनलोडिंग लिंक मैं वीडियो के साथ दे दूंगा। कुछ टाइम लगेगा, अगर लेट हो गया या कोई डाउनलोडिंग लिंक में कोई एरर हो तो काइंडली मुझे कमेंट में, फेसबुक में, वेबसाइट पे, ईमेल पे, किसी तरह भी मुझे कमेंट में अपना फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर जो व्हाट्सएप पे इस्तेमाल करते हैं, साथ नेम, ताकि पता चले मेरे भी कौन कौन से दोस्त बनते जा रहे हैं। तो आप जब व्हाट्सएप पे नंबर कमेंट व्हाट्सएप नंबर मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको जल्द अज जल्द उसी वक्त आपको ये फाइल व्हाट्सएप कर दूंगा। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, फाइल मेरी जो न्यू बनाई है पसंद आई होगी। तो प्लीज़ प्लीज़ कंजूसी नहीं करनी, कंजूसी अच्छी चीज़ नहीं है। वीडियो लाइक करें, शेयर करें ताकि सब फ़ायदा उठाएं, और दूसरे नंबर पर यूट्यूब चैनल पर IT वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।